सिंहस्थ महाकुंभ 2016 के अंतर्गत उज्जैन में आज पंच दशनाम जूना अखाड़ा से पुण्य सलीला माँ शिप्रा के तट पर लगभग 2 से 3 हजार नागा साधुओं ने अपने संप्रदाय के पंचों के सानिध्य में खूनी नागा की दीक्षा ग्रहण की। तो सामने ही नहीं दिख रहा था जी। हर महाकुंभ में अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा साधु जीवन की शुरुआत होती है। इसी प्रकार उज्जैन में बने हुए नागा साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है। इलाहाबाद में दीक्षा लेने वाले साधु नागा साधु कहलाते हैं, जबकि हरिद्वार में बर्फानी नागा व नासिक में उभाती पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। साधु, साधु वह होता है स से सारे संसार की मोह माया को त्याग कर धू से धूमिल करना साधु जीवन की एक नई शुरुआत है। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों मोह माया में उलझकर ही रह जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ संसार में समस्त मोह माया को त्याग कर ईश्वरीय शरण में चला जाता है। वहां से एक नए जीवन की शुरुआत होती है, वो जीवन होता है साधु जीवन। नागा साधु स्वयं का पिंडदान कर अपने साधु जीवन की शुरुआत करते हैं।